और अब बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। आतिशी मरलेना ने आरोप लगाया कि प्रशांत गुट और केजरीवाल के बीच समझौता लगभग हो गया था, लेकिन प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण की वजह से बातचीत टूट गई। आरोपों पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में शांति भूषण पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने बुजुर्ग की हैसियत से सिर्फ बातचीत को लेकर अपनी आशंका जताई थी। क्या प्रशांत भूषण ने एबीपी न्यूज से कहा, देखिए, मैंने और योगेंद्र यादव ने आतिशी को जवाब दे दिया है, दोनों ने अलग अलग बात की। शांति भूषण जी पर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक बुजुर्ग की हैसियत से यह जानना चाहा था कि हमें कैसे यकीन है कि समझौते के नाम पर हमारे साथ धोखा नहीं किया जा रहा है। ये उन्होंने आशंका जाहिर की थी शांति भूषण ने। अतीत में अरविंद के साथ अनुभव बिल्कुल गलत रहे हैं। कई बार उन्होंने मध्यस्थ के जरिए समझौते की बात कही और बाद में मुकर गए। अरविंद केजरीवाल मुकर गए कई बार, पहले समझौते की बात कही फिर वो मुकर गए। फिर उन्होंने आगे कहा एबीपी न्यूज से, इस बार भी बात सीधे अरविंद से ना होकर मध्यस्थों के जरिए हो रही थी। वो हमें सकारात्मक चर्चा जैसे आश्वासन दे रहे थे कि हाँ चर्चा हो रही है। ये प्रशांत भूषण ने एबीपी न्यूज से कहा है। आतिशी मरलेना की जो चिट्ठी सामने आई, जो उन्होंने सीनियर लीडर्स को लिखी है कि बात लगभग बन गई थी, और इस बात पर भी जो है आश्वासन दिया गया था, बार बार इस तरह के आश्वासन दिए जा रहे थे कि बात लगभग बन गई है, लेकिन उसके बाद भी लगभग बात नहीं बन पा रही थी। और आम आदमी पार्टी में टीम केजरीवाल और प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव गुट की लड़ाई में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता आतिशी मरलेना की एक चिट्ठी के जरिए यह खुलासा हुआ है कि टीम केजरीवाल और प्रशांत योगेंद्र के बीच समझौता लगभग हो चुका था। क्या है रिपोर्ट? आतिशी मरलेना ने टीम केजरीवाल के सीनियर नेताओं को चिट्ठी लिखी है। ऐसा लगता है कि प्रशांत योगेंद्र गुट से वो निकल रही हैं। चिट्ठी में आतिशी ने लिखा है कि संजय सिंह ने 26 मार्च तक सहमति का माहौल बना लिया था, लेकिन शांति भूषण ने प्रशांत भूषण को मना कर दिया। बात बन गई थी, शांति भूषण ने मना कर दिया। शांति भूषण ने प्रशांत भूषण से कहा कि वो घर निकलने जाने की उन्होंने धमकी भी दी थी कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद पिता के कहने पर बेटे ने भी मना कर दिया। आतिशी कभी टीम केजरीवाल के साथ थी, विवाद के दौर में वो प्रशांत योगेंद्र के साथ चली गई, उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया गया था। आतिशी मरलेना को भी प्रवक्ता पद से हटाया गया था, और अब इस तरह की खबरें हैं कि वो वापसी करने की कोशिश में है टीम केजरीवाल में। और साथ ही आतिशी की चिट्ठी को आम आदमी पार्टी ने सारा सच मानकर सारा कसूर शांति भूषण पर अब मढ़ दिया है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल गुट और योगेंद्र यादव गुट के बीच जो बातचीत चल रही थी योगेंद्र यादव पर हुई कार्रवाई से पहले, वो आखिर क्यों टूटी? खबरें जो आई हैं उसके मुताबिक आतिशी मरलेना ने यह दावा किया है कि वरिष्ठ नेता शांति भूषण की वजह से यह बातचीत टूटी। इस पर क्या है पार्टी की प्रतिक्रिया? हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, जो आतिशी मरलेना से जुड़ी जो खबरें आई हैं, पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसी कोई चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, हमें भी एक मुंबई के अखबार में एक चिट्ठी छपी और आज दिल्ली के एक नामी अखबार ने उस चिट्ठी के कुछ पोर्शंस को छापा। उससे दो तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। जो संजय सिंह जी, आशुतोष जी और आशीष खेतान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सबको बताया था कि एक बातचीत और एक संवाद स्थापित हुआ था दोनों पक्षों में, सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंच चुका था, उसमें योगेंद्र यादव जी प्रशांत जी द्वारा बताई गई तमाम शर्तों को मंजूरा गया था, जिसमें राष्ट्र कार्यकारिणी में कुछ उनके द्वारा सुझाए गए नामों को शामिल करने की बात थी और भी अन्य बातें थी। और उसके बाद योगेंद्र यादव जी ने खुद एक जॉइंट स्टेटमेंट अपने हाथ से लिखी थी जो वॉलंटियर्स और जनता के नाम जारी करनी थी। उसके बाद 2 घंटे के बाद योगेंद्र यादव जी ने संजय सिंह जी को फोन कर कहा कि हम ये बातचीत को समाप्त करते हैं, हमें आप पे विश्वास नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी को संयोजक पद से हटाना ही हमारी इकलौती मांग है। इसके चलते सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों हुआ। आज जो चिट्ठी सामने आई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे शांति भूषण जी हैं। शांति भूषण जी वही शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने में चुनाव के दौरान ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी तीसरे नंबर के नेता हैं, ये कहा कि किरण बेदी जी और अजय माकन जी बेहतर उम्मीदवार हैं। आप कह रहे हैं कि शांति भूषण का जो वो बयान था वो उन्होंने खुद से नहीं दिया था, वो बीजेपी के इशारे पर दिया था। कि आज आप तमाम तरीके की जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि कुछ भारी ताकतें ऑपरेट कर रही हैं। शांति भूषण जी भारतीय जनता पार्टी के कहने में आकर पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीच चुनाव में जब हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी तीसरे नंबर के नेता और किरण बेदी जी एक बेहतर उम्मीदवार हैं। और आज जो चीज़ सामने आई है उसमें भी ये साफ नजर निकल कर आ रहा है कि एक सकारात्मक निष्कर्ष तक ये बातचीत पहुंच चुकी थी, परंतु फिर शांति भूषण जी के दबाव में आते हुए ये तमाम बातचीत को समाप्त किया गया, इसको रद्द करा। यानी कि मतलब साफ है कि समझौता लगभग हो चुका था, लेकिन शांति भूषण को
शक था समझौते पर, जो समझौता हो रहा है फिर से कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को, इसी बात को लेकर तो सवाल है कि क्या शांति भूषण की वजह से ही ये टीम आम आदमी पार्टी जो उसमें टूट हुई है।